पहले तो आप ये मैं मेरा का जो अभिमान है ना, इस देह के प्रति जो आसक्ति है उसे त्याग दीजिए, क्योंकि देह की तीन ही गति होती है। आप इसे जला दोगे तो राख हो जाएगी, गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े चुन खाएंगे, और फेंक दोगे तो चील कौए नोच ले जाएंगे। इस शरीर की और कोई गति नहीं है, गति तो सिर्फ आत्मा की है। इसलिए पिताजी, इस शरीर के प्रति जो आपकी आसक्ति है, जो आपका अपनापन है, उसे पहले छोड़ दीजिए। शरीर का कुछ नहीं होने वाला है, होना तो आत्मा से है सब कुछ, और आत्मा ही परमात्मा में मिलती है। इसलिए इस अभिमान को छोड़िए, इस बात को मिटा दीजिए, इस अहंकार को मिटा दीजिए। और आपने कहा कि मेरे अंदर इतना वैराग्य नहीं कि वन में चला जाऊं, तो वन में जाने से किसी को भगवान नहीं मिलते हैं। वन में जाने से भगवान मिलते तो पशु पक्षियों का तो जन्म ही वन में होता है, भगवान उन्हें मिल जाते। लेकिन क्या मिले? बोले नहीं मिले महाराज। क्यों? क्योंकि जब तक मन में वन नहीं है, अर्थात मन वैरागी नहीं है, तो आप चाहे जहाँ भी चले जाइए, पांच तत्वों से रहित ये संसार नहीं है, पांच तत्वों से ही ये संसार बना है। तो वन में जाओगे तो क्या घर की याद नहीं आएगी? आएगी ना, कि मैं जिन्हें छोड़ करके आया हूँ, मेरी पत्नी मेरे पुत्र कैसे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। आएगी याद, सबकी याद आएगी। तो यदि याद आ गई वन में, तो फिर मन शरीर वहां होने से क्या हुआ? मन तो घर में ही लगा हुआ है। क्या वन में जाने से आपको भूख नहीं लगेगी? क्या वन में जाने से आपको निद्रा नहीं सताएगी? क्या वन में जाने से आप किन्हीं लोगों की याद नहीं करोगे? सब कुछ करोगे पिताजी। इसलिए वन में जाने से ईश्वर नहीं मिलते, मन को ही वन बनाने से भगवान मिलते हैं। मन बैरागी होगा तो ईश्वर अपने आप आ जाएगा, आपको वन में जाने की आवश्यकता नहीं। और यदि मन बैरागी नहीं है, तो वन में जाने के बाद भी आपको पाँच तत्व सताएंगे पिताजी, और मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए वन में जाने से फायदा नहीं, इस मन को ही वन बनाइए और जाकर के एकांत का सेवन कीजिए। एकांत अर्थात एक में अंत कर दीजिए, एक ईश्वर, और समस्त इंद्रियों का जिसमें हो जाए अंत, वही है एकांत। और उसी एकांत का सेवन करिए, उसी एकांत से ईश्वर की प्राप्ति होती है। मन को एकांत में ले जाइए। शरीर कहीं भी हो, तन कहीं भी हो, लेकिन मेरा मन हर समय मेरे राधा माधव लाल के चरणों में लगा हो। बस यही निवेदन, यही प्रार्थना करिए कि तन से मैं संबंध निभाऊं, लेकिन मन मेरा ईश्वर के पास ही हो, और तभी इस जीवन के जो दर्द हैं, जो दुख हैं, वो शांत होंगे। तो भगवान से बस यही कहिए।